तो भाई हाथ में पत्ता लेके रखा है और सद्दाम एक शॉट देगा, उसी की तैयारी चल रहे है। दोस्तों आप सभी को स्वागत करता है मेरे चैनल धनंजय व्लॉग्स पे, और आज हम लोग जाएंगे रील्स बनाने। आज से कहीं जाने का प्लान है भी नहीं और लोकल में कोई जगह रहा नहीं कि वो आ जाके वीडियो बनाए। तो अभी एक डेढ़ महीना बाद हम लोग का प्लान होने वाला है कहीं एक अच्छा जगह जाके 4-5 दिन स्टे करके उसके बाद हम लोग कोई वीडियो या ब्लॉग्स रील्स बनाएंगे। तो उसके पहले हम आज रील बनाने जाएंगे गोसाईगांव कॉलेज पे, 1, 2, 3, 4 जो इतना भी रील्स है बना लेंगे। और मेरे साथ भाई आने वाला है, प्रधानी भाई आने वाला है। तो सुबह सुबह ब्रश वगैरह कर लिया, अभी सुबह नाश्ते के लिए मैंने कुछ सामान लेके आया, से ये मैगी है, ये आटा लेके आया हूँ, रोटी बना के उसके बाद खा के यहाँ से निकलूँगा। और बर्तन भी धोना है, यहाँ से बहुत सारा उसका कपड़ा भी धोना है, ये सब करते करते 10 तो बज ही गया, 11:30 बजने वाला है। उसके बाद निकल के रील्स बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है ना, मतलब ये कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है ये एक तरीके से, तो उसके बाद से मतलब मेरा थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो गया। काम का प्रेशर भी आ चुका है, बिजनेस है, इसके बाद ये माँ का तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा, तो इसीलिए बाहर भी जा नहीं पा रहा ठीक से। और ऊपर से कपड़ा वगैरह धोना है, खाना बनाना है, तो सब करने के बाद तो बाहर जाना होता है। और वीडियो एडिटिंग भी ठीक से कर नहीं पाता क्योंकि इसी से आपके लिए टाइम देना पड़ता है। फिर जो भी हो ये मेरा रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगा, नमक डाल दूंगा, इसके बाद चीनी डाल के, मैं रोटी नहीं बना रहा हूँ, ये घोल के कुछ बनता है तो वही वाला मैं बना के माँ को खिला के उसके बाद मैं भी नहा धो के निकलूँगा। पहले गैस ऑन कर लेता हूँ, गैस ऑन ही है। तो इसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा मुझे नमक, एक बार देना पड़ेगा मुझे थोड़ा शुगर, शक्कर देना पड़ेगा, फिर मुझे देना पड़ेगा पानी। तो ये मैंने मिक्सिंग कर लिया, ये पानी के साथ, शुगर के साथ, उसके बाद नमक के साथ ये मिक्सिंग हो चुका है लगभग। तो उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, दोनों हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा तेल देना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। एक हाथ तो पूरा जहाँ में ये भी मतलब लेफ्ट हैंड से ही मुझे करना पड़ेगा, ये मैंने कभी किया नहीं था, मैं सिर्फ देखता था मम्मी पे जब बनाता था, उसके बाद कुकों में जब बनाता था मैं देखता था कैसे करके करना है, बस उसी के तहत मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ। उसके बाद उल्टा ना भी है, कैसे उल्टा, गर्म हो गया, गर्म तो है भाई, उसको सो गया। कि रोटी बनाने में टाइम लगता है ना, रोटी बेलो उसके बाद देखो उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, इसमें घोलो और इसके बाद जो तवा है उसमें डाल दो, गर्म हो गया खा सकते हैं। उसके बाद देखने में सेम टू सेम ऑमलेट जैसे लगता है लेकिन ऑमलेट नहीं है। पहले वाला जो मैंने बनाया था ये हो चुका है और ये बाकी सब हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना टेस्ट करके देख लेता हूँ कैसा हुआ मेरा खाना। मज़ा आया, अच्छा हुआ, हल्का सा कमी है, कोई बात नहीं चल जाएगा, भूख तो दूर हो जाएगा, अच्छा है। और दोस्तों इसके साथ अगर लाल चाय हो तो काफी अच्छा आ जाता है, मजा आता है, आनंद ही आनंद। तो इस अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसलिए मैं इस लाल चाय भी साथ में बना रहा हूँ। लाल चाय के साथ ये वाला खाना बहुत ही टेस्ट लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। धुलाई कर देते हैं, सब खत्म हो जाएगा। ये जो रोटी का गोला है तो बनाना हो गया, चाय भी हो चुका है, तो मैं एक बार माँ को खाना दे के आता हूँ, उसके बाद मैं खुद खाना खा के कपड़ा धो के निकलना पड़ेगा। तो एक बार माँ को खाना दे के आता हूँ मैं एक बार। दोस्तों ये मेरा अभी ब्रेकफास्ट रेडी है, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और ये लाल चाय, लाल चाय के साथ खुद का हाथों का खाना। बहुत दिन से ऐसे चल रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हो जो जितना भी हो मेरा खाना खुद बना रहो, खुद खा रहो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, अच्छा मैं मम्मी को भी खिला रहा हूँ, कोई कॉमेंट भी नहीं है ना उस दिन से। पूरा होली से लेके एक कपड़ा ही कपड़ा पूरा जमा करके रख दिया मैंने, सर्फ में भिगो के,
और अभी जो रील बनाने का जाने का प्लान था वो अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने शाम को कर दिया, क्योंकि काम का जो प्रेशर है काफ़ी है, अभी कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, तो बहुत सारा मतलब टाइम ऐसे चला जाएगा। तो शाम को सोच रहा है कि 3 बजे के बाद ही हम लोग रील शूट करें, तो मैंने प्रधान भाई को बोल दिया कि 3 बजे के बाद आओ, उसके बाद हम लोग रील शूट करते हैं जाके। तब तक मैं कपड़ा वगैरह धो लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट रील पर चलते हैं। डरा मत, ये फेस पैक है। और मैंने यहाँ पे चावल बैठा दिया, चावल तो हो ही चुका है, मेरा भी दोपहर का खाना हो चुका है, और ये मामी के लिए खाना मैं रेडी कर दिया। और मैंने प्रधानी को कॉल कर लिया कि वो 3 बजे के पहले आ जाए, वो अभी आ रहा है, तो मुझे भी जल्दी करना पड़ेगा, निकलना है। दोस्तों अभी सदम ने कॉल किया था जाने के लिए, तो वो आ चुका है मेरे दुकान के सामने, और मैं रेडी हो चुका हूँ, कुछ इस तरह सा है, और बैग के अंदर में बैग में मेरा सामान बैग रहा है, वहाँ जाके रील्स बनाएंगे। चलिए चलो देरी हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोग 3 जा रहे हैं अभी गोसाईगा कॉलेज, और वहाँ पे हम लोग रील्स बनाएंगे, करीब 2 या 3 रील्स होने से हो जाएगा आज के लिए। अभी टाइम हो रहा है करीब 3:30 बज रहा है, और टाइम का भी तो कमी होने वाला ही है, इसलिए 2 से 3 रील्स बना के ख़त्म करेंगे आज का ये ब्लॉग्स भी। और दोस्तों आप पहुँचे हैं हम लोग गोसाईगा कॉलेज, और जो मेन गेट है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम लोग पीछे जो फील्ड है उसी रास्ते से हम लोग घुस रहे हैं। नहीं नहीं वो ऊपर में किया था ना, ऊपर में पकड़ना पड़ता है फिर से। अभी प्रधानी भाई का जो रील्स है उसका शॉट लिया जा रहा है, और रील शॉट में कैमरामैन है सद्दाम है, और ये प्रधानी है, वो अभी एक शॉट करेगा जो मैंने आगे में शॉट किया था वो करेगा, मतलब पैर उठाएगा, उसके बाद बाइक जाके वहाँ घुस जाएगा अंदर, ये रहा बाइक, बाद में दे देता हूँ उनको बाइक। तो भाई हाथ में पत्ता लेके रखा है, और सद्दाम एक शॉट देगा, उसी की तैयारी चल रहे है। दोस्तों हम लोग का जो रील्स था यहाँ पे शॉट हो चुका है, अभी हम लोग अभी घर के लिए जा रहे हैं, और ये था प्रधानी भाई, ये सद्दाम था, थोड़ा पैक ज़्यादा हो गया रील्स में। नशा उतरा नहीं अभी तक, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।